उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक के ग्राम रक्सा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है। योजना शुरू हुए लगभग 10 साल बीत गए, लेकिन अभी भी अनेक ग्रामीण कच्चे एवं टूटे फूटे घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत से लगा हुआ ग्राम रक्सा में सामने आया। ग्रामीण किशोरीलाल बैगा, नथुलाल बैगा, गणपत बैगा, शंकर सिंह ने बताया कि उन्होंने सरपंच सचिव से कई बार आवास की मांग की, लेकिन सरपंच सचिव द्वारा कहा जाता है कि जब सूची में नाम आएगा तो आवास मिलेगा। नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? सरपंच सेक्रेटरी पास जाते हैं तो 10,000-15,000 मांगते हैं। अच्छा, तो ये लोग जिसके पास ट्रैक्टर घोड़ा है, बड़े मनाई है पैसा वाले, उनको देते हैं। अच्छा, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। जिसके पास पक्का है, ट्रैक्टर है, उन्हीं मिल रहा है, उन पैसा पा रहे हैं तो उनको दे रहे हैं, उनका घर तोड़वा तोड़वा उनको मिल रहा है। यहाँ गरीबन का खुद अपने आके यहाँ बैगान मोहल्ला चेक कर ली, ग्राम कोला में बैगान टोला में। अच्छा, को नहीं मिला भैया, हम कहाँ जाने, कहीं नहीं मिले। तो सेक्रेटरी सरपंच के पास नहीं गया? कहन हमसे पैसा मांगे, नहीं दें हम। अच्छा, पंचायत में चल रही मनमानी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं राजनीतिक और प्रभावी लोग आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। शासन द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपए की राशि आवास योजना के लिए आवंटित की जा रही है, लेकिन इसका उपयोग असल जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने पात्र लोगों को लाभ दिलाने की कलेक्टर से गुहार लगाते हुए ग्राम रक्सा में पीएम आवास योजना की जाँच की मांग की। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।